चलिए दोस्तों, यहाँ से करते हैं अपना ट्रिप कंटिन्यू। पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने एक तगड़ी वाली क्लाइम कर दी। वाह, पीछे पीछे लाइन लग गई भाई साहब। तो बहुत तगड़ी वाली क्लाइम करके यहाँ तक पहुँचे हम। बड़ा बड़ा ही मुश्किल रास्ता था ये वाला। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे। पेट्रोल हमने फुल करवा दिया था। खिड़िया बंद करते हैं, क्लोज, ताकि मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आएगी। पिछले वीडियोस में क्लियर नहीं आई थी। तो पेट्रोल हमने फुल करवा दिया। पेट्रोल हमने फुल नहीं करवाया, सॉरी, पेट्रोल खाली है, लेकिन नींद हमने पूरी कर ली है ड्राइवर की। यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक्स रिलीज, ब्रेक रिलीज करते ही पीछे भागना शुरू हो गई। इतनी तगड़ी वाली क्लाइम थी ये, और मेरे पीछे जाने और आने दोनों तरफ की लाइनें फुल है। ये देखिए, चाउन की वजह से ये लोग भी रुके हुए थे ऑपोजिट साइड वाले। अभी भी थोड़ी बहुत क्लाइम बची है, क्लाइम करेंगे, क्लाइम करवा के जाएंगे। ट्रक का पूरा जोर लगा के जा रहे हैं। वाह, ये सीनरी और भयंकर लग रही है। इस सीनरी, इस रूट का जितना जितना मज़ा हमने लिया है ना, जितनी तारीफ करो कम है। यहाँ वहाँ देखते वक्त काफ़ी बार यहाँ वहाँ टक्कर भी मार दिए। ओए, कार वाला बेच बाल बाल बचा है। थोड़ी सी साइड में उसको टच हुई है, ज़्यादा लगी नहीं है। वाह, खतरनाक खतरनाक व्यू है यार, नज़ारे। अरे अरे अरे, लगेगी लगेगी लगेगी, लग गई। पता था मुझे लगेगी। मैं हमेशा इस व्यू के चक्कर में ना नुकसान करवा के बैठा हूँ। ये जो लाइन दिख रही है बहुत तगड़ी लग रही है, बहुत खतरनाक लग रही है। अब मैं ऑपोजिट में जाके, अरे यार, फ्यूल यू रैन आउट भाई साहब, फ्यूल हो गया ख़त्म। पीछे हमने फ्यूल करवाया था शायद, लेकिन अब करना पड़ेगा पे। चलो, पेमेंट यहाँ पे कर दिया है और फ्यूल हमको मिल गई है। ट्रक बंद पड़ गई है, पहले ट्रक को स्टार्ट करते हैं। और ब्रेक को मैंने पकड़े रखा है, अगर ब्रेक रिलीज कर दूँ तो पीछे जा रही है ट्रक और पीछे वो मार देगा उसको। मैं यहाँ पे अपनी वार्निंग लाइट्स ऑन रख लेता हूँ, ताकि पीछे वाले को पता चले कि थोड़ा रिस्की मामला है। लेट्स कंटिन्यू। मुझे लग रहा है ये क्लाइम पे बहुत ज़्यादा ही डीजल खा रही है, इसलिए जल्दी ख़त्म हो रहा है। गो 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 गोविंदा। और आगे भी देख के चलते हैं। यहाँ से हमको शायद थोड़ा सा फ्लैट मिलेगा आगे। लगभग क्लाइम पूरी हो चुकी है, यहाँ से फ्लैट ही लग रहा है। वाह, और खूबसूरत नज़ारा। मन करता है बस देखते ही रहे इस जगह को। अमेजिंग अमेजिंग, वाओ। धीरे धीरे चलते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई नहीं आके हमको डांटने वाला कि भाई जल्दी चलो, कोई यहाँ पे झगड़ा वगड़ा नहीं होने वाला है। अरे बस 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 बस, बस बच गई, बस बच गई। चलो, अब यहाँ पे पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। सीधी करते हैं पहले ट्रक को। ये देखो, ये आगे वाला रास्ता देखो, यू नीचे जाके यू ऊपर आ रहा है। और यही रोड था, हमारी पहली चढ़ाई हुई थी आते वक्त। अब जाते वक्त ही हमारी आखिरी ढलान हो गई, और आगे भी फ्लैट मिलेगा, आराम से जाएंगे। स्पीड थोड़ी तेज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बड़े वाले गियर भी चलेंगे यहाँ पे। यहाँ तक सिर्फ चटे गियर तक चले थे, 4 5 6। अब यहाँ से 8 9 10 11 11 तक जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू।
अरे 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 मारेगा मारेगा मारेगा, बच गए बच गए। बाल बाल बचे दोस्तों, बाल बाल बचे। थोड़ा सा मौका मिला था स्पीड भगाने के लिए तो मैं सोचा भगा के चले जाऊं, लेकिन हमें अभी भी ध्यान रखना है रोड पे, क्योंकि काफी सारे टर्न्स हैं और टर्निंग्स में अगर कंट्रोल मिस हो गया तो फिर गए, तो फिर भगवान बचाए। कैब लाइट चालू की है भाई, कैब लाइट बंद करो। ओके, यहाँ पे मकान लेना है, कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं हम। ये बंदा कैसे ओवरटेक कर गया, देखा बहुत चालाक है ये वाले बंदे, जहाँ जगह मिली नहीं वहाँ पे घुस जाएंगे। लो जी आ गए हाईवे पे, अब सुपर एकदम क्लियर रोड है, क्रूज लगा दे कितना यहाँ पे। तो मैंने अभी लगा दिया है क्रूज और आराम से चल रही है, बिना हम अपनी थ्रॉटल को पुश किए, एक्सीलेटर दबाने का कोई काम नहीं है, आराम से जा रही है अपने आप क्रूज पे। जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक देगा वहाँ पे क्रूज बंद कर देंगे और स्पीड को कर लेंगे अपने कंट्रोल में। पूरा पूरा ही क्लियर हाईवे है, पूरा क्लियर मौसम है, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ट्रक तो वैसे भी मेला दिख रहा है। वाह, स्पीड देखो भाई 130 के ऊपर जा रही है, क्या बात है। जबरदस्त भाग रही है बहुत ही टॉप स्पीड पे, ये बंदा बीच में कैसे आ रहा है भाई, मार देता ना अभी तो। कैसे कैसे बंदे ड्राइव कर रहे हैं भाई रोड पे, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा हमको। एकदम से आके बीच में रोक दी उसने बंदे ने, एलबोर्ड कहीं। ओए पेट्रोल पंप आ गया, फिर से यहाँ पर पेट्रोल भरवा देते हैं ताकि जो दिक्कत आई थी वो वापस ना आए। अब तो लाइन भी नहीं है, नहीं तो लाइन लगी रहती है पेट्रोल पंप पे, इसके पहले जितने बार पेट्रोल भरवाया वहाँ पे लाइन थी।
ज़्यादा खाली नहीं हुआ, लेकिन हमेशा जब भी बीच में आए पेट्रोल भरवा के चलने में फ़ायदा है, वरना बीच में फ़ाइन पड़ेगी। और जब ट्रो वाले आके भरवाते हैं डीजल तो फिर काफ़ी महंगा पड़ता है वो, तो अपनी कमाई से कम हो इससे अच्छा है कि भरवाते जाए। लेट्स गो। गियर को क्या हो गया भाई, गियर चल नहीं रहा है। ये गियर जाम कैसे हो गया था पता नहीं। ये बस वाला टेल गेट कर रहा है बंदा। चला जा, तुझे रास्ता देता हूँ। अच्छा आगे जा सकता है तो जा। कम ऑन कम ऑन गो। वाह, मर्सिडीज की ट्रक लेके जा रहा है बंदा। और हमारी ट्रक का ट्रेलर देखो पूरी तरह से मैला हो चुका है, ऊपर ट्रेनें जा रही है। वाह ट्रेन दिख रही है, ट्रेन। वाह वंडरफुल। हाईवे की भी एक अलग ही खूबसूरती है, इसका अलग ही मज़ा है। हाईवे पे हम भगाते हैं, मुझे डर लगता है। बस वाला हमको ओवरटेक करके गया था, कितनी दूर आ पाया भाई। आ जाओ फिर से पीछे। हॉर्न मारते हैं। ओ लग गई लग गई लग गई। यहाँ पे ध्यान से टर्निंग है। ऐसी टर्निंग पे अगर सही से कंट्रोल नहीं किया तो भाई फिसल के ऐसी पलटी मारेगी ट्रक का। पीछे कार वाला ओवरटेक करने के लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे आगे टर्निंग, गियर डाउन कर लेते हैं। देखा टेम्पो वाला कैसे बीच में घुसा, ये दूसरी बार है जो टेम्पो वाला बीच में ऐसे घुस के ओवरटेक कर रहा है। चढ़ाई पे हमेशा गियर डाउन। यहाँ पे एक स्टॉप दिख रहा है, नींद वगैरह तो लेनी नहीं, पेट्रोल तो वैसे भरा हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ
कैसे बीच में आया? ओए आके मार रहा है बंदा, खतरनाक था यार। अरे ओ एक्सीडेंट हो गया भाई, एक्सीडेंट। ऐसे आके बीच में मारेगा तो फिर क्या होगा भाई, थोड़ा देख के आना चाहिए ना। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अपन चलेंगे यहाँ पे, अपनी टर्न है। क्या हुआ है, बीच में रुक रहा है? कैसे कैसे बंदे भाई, ड्राइवर है, इसने बीच में रोक दी। यहाँ पे हमने फिर से लगा दी क्रूज में और चल रहे हैं आराम से बिंदास। ये भी लंबा हाईवे लग रहा है, एक बार मैप चेक कर लेते हैं कितनी दूर हम आए हैं और कितना रोड बाकी है। तो हमें करना है 515 किलोमीटर, जिसमें से हमने 370 किलोमीटर कर दिए। तो अब सीधा सीधा रास्ता हमें दिख रहा है अपने डेस्टिनेशन नूरनबर्ग के लिए। सो यहाँ से क्रूज में ही चलेंगे आराम से, थोड़ी देर बाद अगर ट्रैफिक आ गई तो बीच में बंद कर देंगे क्रूज। ये देखो कार वाला, ये देखो क्या कर रहे हैं यार, ये कोई सुसु करने वाली जगह थोड़ी, आराम से खड़ के यहाँ पे आप सुसु कर लोगे। अब भागा, देखो भाई कमाल है यार, कमाल है। Thank you.
पे थोड़ी ट्रैफिक लग रही है, तो क्रूज बंद करके अब फिर से हम अपने कंट्रोल हाथ में ले लेते हैं। और ये देखो आगे बंदे ब्रेक मारते हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या है, कोई एक्सीडेंट है क्या है। ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पे रेस्ट भी है, तो हम फिर से पेट्रोल भरवा लेते हैं। आ नहीं रहा है। ओके, ब्रेक 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 ड्राइव ब्रेक 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 करीबी मामला था। ये देखो लाइन बोल रहा था ना मैं, पेट्रोल पंप पे लाइन लगती है। ये देखो लाइन लगी हुई है, यहाँ पे तीन तीन मशीनें हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हर कोई लास्ट में जाना चाहता है। हम तो भाई घुसेंगे बीच में किसी अलग मशीन में। अच्छा, ये जो पहला वाला है ये कार के लिए, जो लास्ट वाला है वो पेट्रोल वाले के लिए, डीजल है, ट्रक वाले के लिए सॉरी। लो जी, हो गई हमारी फिलिंग। ये वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।